यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हो सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे हमारे पेपर नंबर टू के, सॉरी पेपर नंबर वन जो जनरल पेपर है, उसके 20 क्वेश्चंस को। इसका पीडीएफ जो है मैंने अनसोल्व पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया था, आई होप आपने उसको सोल्व कर लिया होगा। तो अब आप लोग उसको टैली कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का वो है ये, बोलते हैं सिंस मोस्ट इंटरेक्शन with other people के साथ में जितना भी interaction है take place at a highly superficial level, तो बोलता है और लोगों के साथ में जो हमारा interaction है जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो किस level पे करते हैं, highly superficial level के ऊपर हो रही है। okay, making good डैश बिकम्स डिफिकल्ट, जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा, अच्छी प्रिडिक्शन, गुड प्रिडिक्शन जो है वो क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। क्योंकि जब आपका जो उनसे इंटरेक्शन जो हो रहा है वो किस पर है, हाईली सुपरफिशियल लेवल के ऊपर हो रहा है, तो वहां पर आप प्रिडिक्शन जो है वो नहीं लगा सकते। क्योंकि सुपरफिशियल अगर आप बात करेंगे तो वहां पर चीजें जो है वो आपके हाथ में रहेंगी, वहां पर आप मान लीजिए गोल्ड के ऊपर कोई बात छोड़ दिया आपने, ठीक है, तो आप प्रिडिक्शन जो है जो आप लगाओगे वो कैसा कंफर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड के ऊपर जो आपने बात छोड़ी, क्या पता वो हो और क्या पता ना हो, लेकिन खुद से जो करना है, जो कर्म आपने खुद से करने हैं वो तो आपके कंफर्म होते हैं ना। जी सर, तो यहां पे क्या है, क्योंकि यहां पे वर्ड जो यूज किया गया वो हाईली सुपरफिशियल वर्ड को यूज किया गया, दैट्स व्हाई यहां पे जो फिट बैठता है दैट इज द प्रिडिक्शन। तो आंसर जो है वो क्या है, प्रिडिक्शन। सेकंड, बोलता है कि रिटेलर मार्क ऑल इज गुड एट 40%। एक रिटेलर है, ठीक है, वो अपने सारे गुड्स का जो प्राइस रखता है वो क्या रखता है, 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए अगर कॉस्ट 100 है तो वो रखता है 140 रुपए। ओके, मतलब मार्क प्राइस है उसका, ठीक है, जो गुड्स है उसके ऊपर जो चिपका हुआ प्राइस है वो कितना है, 140 रुपए। एंड थिंकिंग डेट, और ये सोचता है कि ही विल स्टिल मेक 20% प्रॉफिट, और वो ये बोलता है कि मैं अभी भी 20% प्रॉफिट कमा लूंगा अगर मैं डिस्काउंट दूंगा 20% का ऑन द मार्क प्राइस। मतलब मार्क प्राइस जो भी है, अगर मैं उसे 20% का डिस्काउंट दे दूं तो भी मैं कम से कम 20% प्रॉफिट कमा लूंगा। तो बोलता है व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, अब आपको निकालना है उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना है। यहां पे मान लीजिए आपकी कॉस्ट 100 है, लेट कॉस्ट आपकी 100 है, तो आपका यहां पे मार्क प्राइस जो है वो क्या हो गया, आपका मार्क प्राइस होगा 140। कैसे, 100 प्लस में 40% 140 हो गया, तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपका क्या है, ये क्या सोच रहा है कि वो स्टिल मेक 20% प्रॉफिट अगर वो ऑफर करता है डिस्काउंट 20% ऑन द मार्क प्राइस। तो 20% डिस्काउंट अगर मैं दे दूं मार्क प्राइस पे तो भी मैं कम से कम कितना कमा लूंगा, 20% प्रॉफिट कमा लूंगा। तो यहां पे हम लोग जो वो निकालेंगे सेलिंग प्राइस, वो क्या होगा, मार्क प्राइस में से 20% माइनस कर दो, 140 में से 20% चला गया, 140 का 20% कितना हो गया, 28 रुपए, तो जाएगा तो कितना, 112 आपका सेलिंग प्राइस है। अब आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट आएगा कितना, 12 रुपए, कितना 12 रुपए, तो आप परसेंटेज निकालोगे तो 12/100 बोलते 12% बोले तो डी। चलो जी आगे, कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया है यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन डेट मीन्स कि आपको डीआई का जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल है, इसको आप कंसीडर करो, जो शो करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस टेबल में क्या दिखाया गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाया गया, एंड परसेंटेज ऑफ द फीमेल एंड द मेल इन 5 different departments, 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है आपके यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स, इन 5 डिपार्टमेंट के अंदर उनके टोटल नंबर भी बताया गया। ये तो टोटल नंबर, जैसे 450 फिजिक्स के अंदर टोटल स्टूडेंट्स है, इनमें से मेल और फीमेल कितने, तो वो बताया गया 45% फीमेल है, 55% मेल है। मैंने एक बार ना इनका जो अमाउंट है वो निकाल के लिख लिया, अमाउंट मीन्स मतलब इनका जो नंबर है एग्जैक्ट नंबर वो मैंने निकाल के लिख लिया, तो ये मेरा नंबर आ गया, ठीक है। अब इसके बेस पर आपको जो है नीचे कुछ 5 क्वेश्चन दिए, उनको आपको सोल्व करना है। सबसे पहले नंबर पर आया, विच ऑफ द डिपार्टमेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, किस डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल स्टूडेंट जो है मैक्सिमम नंबर पर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ। अगर बात करूं फिजिक्स में 202 है, केमिस्ट्री में सॉरी फीमेल की बात हो रही है, फिजिक्स में 203 है, केमिस्ट्री में 193 है, इंग्लिश में 165 और मैथ्स में 200, तो सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ है, फिजिक्स में। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जिसका, फिजिक्स। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द डिपार्टमेंट हैज मिनिमम नंबर ऑफ मेल, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर मेल जो है सबसे मिनिमम है, ये 4 दे गया, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। तो फिजिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स में 202 है, इंग्लिश में 135 है, हिंदी में 100 है और मैथ्स में 300, तो सबसे कम जो है वो कहाँ पे आपके, हिंदी में। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, हिंदी, बोले तो 4th का सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द मैथमेटिक डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने, 550 केमिस्ट्री के, 550 और मैथ्स के जो स्टूडेंट्स है वो कितने, 500। इनका परसेंट बताना है कि केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो मैथ्स के बच्चों के कितना परसेंट है, तो जो निकालना होता है वो ऊपर आएगा। आपको ये था ना केमिस्ट्री के बच्चे मैथ्स के कितने परसेंट है, तो केमिस्ट्री के टोटल स्टूडेंट ऊपर अपॉन नीचे मैथ्स के स्टूडेंट, तो इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 110%, बोले तो 5th का डी। चलो जी आगे,
अगला क्वेश्चन आया, वो बोलता है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो, आपको रेशियो बताना है किसका ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन द इंग्लिश डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर जो मेल स्टूडेंट है उनका, टू द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन द मैथमेटिकल डिपार्टमेंट, इनके अंदर इनका आपको जो है वो रेशियो बताना है। आप इंग्लिश के जो बच्चे हैं मेल वो है 135 और मैथमेटिक्स से कितने 300, तो इनका रेशियो जो है वो बनेगा क्या 9:20 का, 15 पे जाएगा तो ये 15 15 9 सर 135 और ये 15 पे जाएगा 15 20 सर 300, तो 9:20 बी। चलो जी आगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द इंग्लिश एंड हिंदी डिपार्टमेंट टुगेदर, सिंपल सा क्वेश्चन है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऐड कर लो, ये आएगा 315 ए। आगे बोलता है नेम द स्कीम, आप उस स्कीम का नाम बताइए विच एम, जिसका मेन एम जो है वो क्या है, टू क्रिएट करना रिसर्च एम्बियंस इन द इंस्टीट्यूट बाय प्रमोटिंग रिसर्च इन द इंजीनियरिंग साइंस। तो बोलते हैं इंजीनियरिंग साइंस के अंदर जो है, मतलब एक ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जिसका मेन एम जो है वो क्या है कि वो बेसिकली जो है वो क्या करने वाला है, वो प्रमोट करेगा मतलब क्रिएट करेगा अच्छा रिसर्च एम्बियंस, ताकि वहां पे जाकर के जो है मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंजीनियरिंग के अंदर पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो जहां पे जाकर के उनको सारी फैसिलिटीज मिल सके, तो उसको मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया था, उसका नाम था RPS, बोलते हो रिसर्च प्रमोशन स्कीम। ये स्कीम जो है रिसर्च प्रमोशन स्कीम, इसका मेन एम यही था कि ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा रिसर्च एम्बियंस किसमें, इन द इंस्टीट्यूट बाय प्रमोटिंग रिसर्च इन द इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्निक, ये लेके आया टू जनरेट मास्टर एंड डॉक्टरल डिग्री, जो पीएचडी का डिग्री है उन कैंडिडेट्स के लिए, टू ऑगमेंट, ताकि बढ़ जाए उनकी क्वालिटी ऑफ द फैकल्टी एंड द रिसर्च। तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था, उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या, आरपीएस, बोलो रिसर्च प्रमोशन स्कीम, उस स्कीम का नाम। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल मेथड, इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल मेथड है डिस्पोज करने का म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको अगर आपने डिस्पोज करना, उसके यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, इनमें से आपको बताना है कौन सा बायोलॉजिकल मेथड है। सबसे पहले अगर लैंडफिलिंग की बात करूंगा तो ये बायोलॉजिकल मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम क्या करेंगे, जमीन की भराई करते हैं, ब्यूरी कर देंगे, जो कबाड़ होगा उसको जमीन के अंदर गड्ढा खोद के भर देंगे मान लो, उसको तो बोलते हैं ब्यूरियल, ये तो नहीं है। फिर पल्वराइजेशन, इसका मतलब जो है वो क्या होता है, ग्राइंड कर देंगे उसको, ये भी नहीं है। फिर कंपोस्टिंग, इसको छोड़ के पहले श्रेडिंग बताता हूँ, श्रेडिंग में क्या करते हैं हम, जैसे पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में उसको काट देंगे। लेकिन अगर बात करूंगा कंपोजिटिंग का, कंपोजिटिंग ये है एक बायोलॉजिकल मेथड जिसके थ्रू हम लोग जो है वो क्या करते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को जो है वो क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। तो मैंने लिखा भी है, कंपोजिटिंग इज द बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज फूड और प्लांट मटीरियल बाय, किसके थ्रू, बैक्टीरिया, फंगाई, वॉर्म्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन मतलब यहाँ पे क्या है, अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो जो बायोलॉजिकल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे, वो मेथड जो है वो कौन सा आपका, कंपोस्टिंग। चलो जी आगे, द मीडियम ऑफ द इंसेक्शन इन द वैदिक सिस्टम, सिंपल सा क्वेश्चन, वैदिक सिस्टम के अंदर जो मीडियम ऑफ इंसेक्शन था वो क्या था, संस्कृत। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज इंक्लूड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो है वो कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो क्या है इंक्लूड है, तो वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। पहली बात तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये एयर क्वालिटी के बारे में रिपोर्टिंग करता है, ठीक है। इसका जो स्केल है वो 0 to 500 तक होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एक स्पेशल बात ये ध्यान रखिएगा, जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होगा उतना पोल्यूशन ज्यादा होगा, और उतना ही जो है वो बेसिकली हेल्थ कंसर्न आपका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो हायर द एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू, हायर द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड हायर द हेल्थ कंसर्न, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैंने यहां पे कुछ लिखा भी है, एन एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू ऑफ द 100 जनरली कोरस्पोंड टू द नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो 100 को जो है वो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है माना गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू बिलो 100 आर जनरली थॉट एज सैटिस्फैक्टरी, अगर 100 से नीचे है तो वो क्या है, सैटिस्फैक्टरी, क्योंकि उससे ऊपर होगा तो वो पोल्यूशन, उसके अंदर पोल्यूशन का जो अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ना यहाँ पे आपका आंसर ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन जो पॉल्यूटेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सल्फर ऑक्साइड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, जो हमने NAPCC पढ़ा था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर टोटल मिला के जो है वो 8 मिशन जो है वो हमारे आए थे, इनमें से कौन कौन सा है, तो बोलते हैं विच आर द मिशन, कौन कौन से इसके मिशन हैं, तो सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये इसका मिशन है, सस्टेनिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये इसका मिशन नहीं है, एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज, ये इसका मिशन है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, A and C। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, कौन सा इसमें सर्च इंजन है, सिंपल सा क्वेश्चन, गूगल, देखने में दिख रहा है।
आगे फिर द यूज ऑफ द आईटी, जब गवर्नमेंट आईटी को यूज करती है टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड ऑफ द सोसाइटी, तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। मतलब गवर्नमेंट जो शासन कर रही है कैसे कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रही है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, ई गवर्नेंस। ये इसका ऑप्शन जो है 14 का, ये बी सी आएगा, इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, बी नहीं है ये ई है। आगे जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ये जेपीईजी इज यूज टू कंप्रेस, इसको यूज किया जाता है, जेपीईजी फाइल्स होती है उसको यूज किया जाता है कंप्रेस करने के लिए, किसको बोलो, इमेज को। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। फिर द मेथड ऑफ लर्निंग इन द हायर एजुकेशन इन इंडिया इज पास्ट, पास्ट में जो हायर एजुकेशन के अंदर भी जो मेथड अपना लर्निंग का बेसिकली चलता था वो कैसे, वो मालूम क्या था, मेमोराइजेशन। मतलब हायर एजुकेशन के अंदर भी पास्ट में मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस किया जाता था, मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड स्टोरी टेलिंग, ये अपना पहले सिस्टम चलता था। बाद में अब थोड़ा सा चेंज हुआ, जैसे आजकल आपने देखा असाइनमेंट हो रहा है, आजकल ब्रेन स्टोरमिंग सिस्टम आ गया है, तो अब सिस्टम थोड़ा चेंज है। बस पास्ट में जो है हायर एजुकेशन के हालात जो है वो कुछ इस तरह के थे, वहां पे हमारा जो मेन मेथड ऑफ लर्निंग होता था वो क्या था, मेमोराइजेशन हो गया, ठीक है, और क्रिटिकल एनालिसिस एंड स्टोरी टेलिंग। आगे मेन टू कंपोनेंट जो है सीपीयू के जो मेन टू कंपोनेंट जो है सीपीयू के, वो कौन सा, एक है कंट्रोल यूनिट और एक है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू बोलते हैं जिसको, फर्स्ट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट द वेब पेज, किसको यूज किया था वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, वेब पेज क्रिएट होगा किसके अंदर, लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज कौन सी होगी, एचटीटीपी, तो फॉर्म इसका एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे इंस्पायर स्कॉलरशिप इज इंटेंट बाय द फाइंडिंग एजेंसी, इंस्पायर स्कॉलरशिप को जो है वो इंटेंट किया गया किसके द्वारा, बाय द फाइंडिंग एजेंसी, जो है वो कौन है, मतलब इसको लेके आने वाला, वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो आपका इंस्पायर है, ये क्या है, इनोवेशन इन साइंस परस्यू फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, तो इसको लेके आने वाला जो था वो कौन है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे द इनिशिएटिव टू एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, इसको, इस इनिशिएटिव को किसने, कौन ले गया है, तो आपको मैंने बताया था 2015 के अंदर जो है मोदी जी और फ्रांस के जो उस टाइम के पीएम थे वो थे मिस्टर फ्रांसिस होलैंडो, उन्होंने जो है ये दोनों ने मिल करके, मोदी जी ने और फ्रांस वाले ने, दोनों ने मिल करके जो है इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है वो लागू करवाया। तो ये जो इनिशिएटिव है किसने उठाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, यूएस, फ्रांस एंड इंडिया, बोले तो बी। ओके जी सर, लो जी ये 20 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको आप कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक बैठे हैं। ओके अब रिवीजन का क्या शेड्यूलिंग रहने वाली है, तो मंडे से हम लोग जो है वो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो मंडे से क्वेश्चन तो चलेंगे साथ में रिवीजन सीरीज जो है वो भी स्टार्ट होगी। ओके जी सर, चलो आप ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।